रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को 14 साल बाद गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। बता दें कि आरोपी पर साल 2008 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ये मामला चल रहा था, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहली और दूसरी पत्नी के साथ दो बच्चों की हत्या भी कबूल की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हमने स्पेशल टीम्स बना के इनामियों के विरुद्ध अभियान चलाए थे, तो उसी दौरान आज एक बहुत अच्छी सफलता उपलब्ध हुई है, जहां पे 25,000 का इनामी जो 2008 में मर्डर में वांटेड था, जिसमें FIR नंबर 232/2008, तो वहाँ पे वांटेड था ना, रुद्रपुर के FIR नंबर में वांटेड था मर्डर में। उसकी अपराधी को, मतलब आरोपी को, जिसके ऊपर मफरूरी में चार्जशीट लगी थी और स्टैंडिंग वारंट था कोर्ट का और हमारा इनामी भी था, उसको 14 साल के बाद आज पकड़ में आया गया है। इसकी तस्करा पूछताछ में इसमें ये भी कुबूला है कि 2002 में इसने अपना पहला पत्नी और दो बच्चों का भी उसने मौत के घाट उतार दिया है। इसकी तस्करा पूछताछ किया जाएगा और तस्करा पूछताछ के बाद जो है यूपी को भी इसको अवगत कराया जाएगा। तो इस बेहतरीन कार्य के लिए SI कमलेश भट्ट, जो SOG प्रभारी है, उसको पुलिस मैन ऑफ द मंथ भी घोषित किया जा रहा है।